जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हाल है आप सब लोगों के? खैरियत से हैं। वेलकम फॉर अनदर शो। टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स, हाउ टू हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड अ लिटिल बिट अ पर्सनैलिटी ऑफ ए कंसल्टेंट, वन ट्रेट ऑफ कंसल्टेंट, व्हाट ही और शी हैज टू बी in the eyes of any customer. So we'll start with the one presentation. ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन है। इसको हम कॉफी बीन्स और कैरेट्स और एग्स इसकी एग्जांपल देते हैं हमेशा। एक काफ़ी लंबी इसकी आधे पौने घंटे की डेमोन्स्ट्रेशन होती है, लेकिन ये मैं सिर्फ एक पिक्चर इसकी जो है इससे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इफ़ यू सी, ये एक पतीले में, एक सॉसपैन में पानी गर्म हो रहा है, और हॉट वाटर। अगर इस हॉट वाटर में हम अपनी ये तीनों चीज़ें जो हैं, कॉफ़ी बीन्स, कैरेट और एग, ये अगर हम इसमें डाल दें तो हम वापस ऊपर चलते हैं। ये तीन चीज़ें तो आपने देखा होगा कि जो गाजर है वो जब गर्म पानी में जाती है तो वो बिल्कुल पिलपिली हो जाती है, ठीक है, उसकी जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अंडा एक लिक्विड शेप में होता है और उसको जब हम बॉयल करते हैं तो वो अपनी कैरेट की निस्बत बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज उलट उसका रिएक्शन होता है और वो चेंज हो जाता है, वो सख्त हो जाता है। कॉफ़ी बीन्स जो हैं, वैसे तो कॉफ़ी बीन्स की जो बीज की शक्ल है उसमें भी बड़ी खुशबू आती है, बड़ी फेवरेट खुशबू होती है। और आपने देखा होगा कि जो खुशबू बेचते हैं, परफ्यूम बेचते हैं, उनके पास एक बॉटल में छोटी सी कॉफ़ी बीन्स रखे होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग खुशबू है कि जो इससे पहले कोई भी खुशबू अगर आपने सूंघी भी होती है तो उसको ये नलीफाई कर देती है, उसको ये ख़त्म कर देती है। कॉफ़ी बीन्स को जब आप गर्म पानी में डालते हैं तो इसका जो अरोमा है वो पूरे कमरे को, पूरे किचन को, या पूरी लॉबी को, या बड़े बड़े जो होटल्स की मॉल्स हैं बड़े बड़े, उसमें पूरे पूरे फ्लोर के ऊपर कॉफ़ी की खुशबू आ रही होती है। अगर आप मक्का मदीना या इस तरह के सेंटोरस या इस तरह के किसी बड़े मॉल में जाते हैं, मैसेज इसमें ये है कि सिचुएशन सेम है सबके लिए। ये COVID-19 जो है ये डॉक्टर्स के लिए भी है, पेशेंट्स के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए भी है, कंसल्टेंट्स के लिए भी है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए भी है, सरकार के लिए भी है, एक जो डेली वेजर है उसके लिए भी है। पानी गर्म सबके लिए सेम है, लेकिन इन तीनों चीज़ों का जो बिहेवियर है और सात चीज़ें जो मैंने अभी गिनी है, इन सब चीज़ों को जब हम पानी में डालेंगे या COVID-19 की सिचुएशन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि सबका रिएक्शन फ़र्क होगा। और है जो इमाम मस्जिद हैं उनका रिएक्शन फ़र्क है, जो नमाजी हैं उनका रिएक्शन फ़र्क है, जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनका रिएक्शन फ़र्क है, जो गाड़ियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं कल से और परसों से आप देख रहे हैं उनका रिएक्शन फ़र्क है। सो एज ए कंसल्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट मस्ट बी योर रिएक्शन इन हॉट वाटर्स। सिम्बॉलिक है ये स्लाइड जो है ये सिम्बॉलिक है। आप अगर कैरेट्स को देखें तो ये अपने आप को नरम कर लेती हैं पानी में जाके। ऑन द अदर हैंड एग एक लिक्विड शेप में होता है, ये हार्ड शेप इख्तियार कर लेता है। ऑन द अदर हैंड कॉफी जो है वो गर्म पानी में जाती है, रिएक्शन होता है और ये एक अरोमा डेवलप करती है, खुशबू डेवलप करती है, टेस्ट डेवलप करती है और एक खूबसूरत किस्म का पानी में जो इसका शेड नजर आता है कलर का, वो भी एक कमाल की चीज़ होती है। आप देखें तो मग में ये उसके अरोमा जो है वो धुआं निकल रहा है, उसमें से खुशबू निकल रही है बाहर स्टीम के साथ। ये स्टीम पूरे फ्लोर को, पूरे कमरे को, पूरे किचन को मुअत्तर कर देती है, खूबसूरत बना देती है। जिनको कॉफी पीने का शौक है वो ये समझते होंगे कि इसका इसका इम्पैक्ट क्या है।
आपने अपने आप को इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कोलैटरल अपना बनाना है, या बिहेवियर या करेक्टरिस्टिक्स आप कह लें कि आपने अपना डेवलप करना है जो इन तीनों चीजों के रिएक्शन में होगा। दिस इज योर ऑप्शन कि आप गाजर की तरह बिहेव करें, जैसे ही गर्म पानी में डाला उसने अपना आप लूज कर दिया, तो आप अपने हालात के मुताबिक अपने आप को खत्म कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि लाइक अ बॉयल्ड एग, आप उसमें जाते हैं, आप सख्त हो जाते हैं, सख्त मिजाज भी हो जाते हैं, या आपके ऊपर कोई हार्ड चीज असर नहीं करती। तीसरे नंबर पे आप कॉफी बीन्स की तरह हो जाते हैं, जिसको अरोमा भी आता है, खुशबू भी आती है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज योर्स। इन हॉट वाटर्स द वे यू हैव टू रिएक्ट टू द सिचुएशन इज अप टू यू, राइट? ये हॉट वाटर की हमने एग्जांपल दे दी। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम थोड़ा सा एक लैंडस्केप अपना देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉन्टेक्स्ट में जो ग्लोबल पोजीशनिंग है जॉब्स की इस वक्त, वो क्या है और आगे क्या होगी। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये 10 डिक्लाइनिंग जॉब्स हैं। पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। 75 मिलियन जॉब्स जो हैं वो ये वाली तकरीबन तकरीबन डिक्लाइन हो जाएंगी बाय 2022, 2022 तक। डेटा एंट्री क्लर्क्स खत्म हो जाएंगे, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और पेरोल जो हैं ये ऑटोमेशन में या डिजिटलाइजेशन में चली जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जेक्टिव सेक्रेटरीज जो हैं इनकी जगह पे, बहुत सारी जगहों पे रोबोट्स आ जाएंगे, और बहुत सारी जगहों पे आपका जैसे अलार्म होता है, आपका शेड्यूलर होता है, आपका कैलेंडर होता है, आपकी मीटिंग्स, ये चीज़ें, ये गैजेट्स अरेंज करके देंगे, और आपकी जो इवन आप बोलेंगे तो आपकी सारी चीज़ें लिखी जाएंगी जो कि अभी भी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर्स। असेंबली एंड फैक्ट्री वर्कर्स, ये रोबोट्स आ गए हैं, आ चुके हैं, गाड़ियां बहुत सारी जो हैं इस फैक्ट्री क्लाइमेट में बन रही हैं। क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर सर्विस वर्कर्स, ये जो फ्रंट डेस्क पे लोग हैं, और इसकी जगह सीआरएम आ गए हैं, सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो कि आपकी किसी भी कंप्लेंट को इंटेलिजेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक वो उसको हैंडल कर रहे हैं। बिजनेस सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स, इनको भी आप देखें तो ये चेंज हो जाएंगी। अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स ऑटोमेशन में चले जाएंगे। मटेरियल्स, रिकॉर्डिंग, स्टॉक कीपिंग क्लर्क्स, सप्लाई चेन जो है आपकी, ये ऑटोमेशन पे चली जाएगी। इवन अभी भी आप देखें तो दो तीन जो बड़े स्टोर्स हैं दुनिया के, अमेजोन वगैरह, वहाँ पे रोबोट्स जो हैं वो स्टोर से चीज़ें इशू कर रहे हैं, पैकेट्स बना रहे हैं और डिलीवरी और डिस्पैच में दे रहे हैं। जनरल एंड ऑपरेशंस मैनेजर्स, इनकी जॉब तकरीबन एलिमिनेट हो जाएगी। और पोस्टल सर्विसेज क्लर्क्स, बाय एंड लार्ज बहुत सारी चीज़ें डिजिटल इम्पैक्ट्स पे चली जाएंगी, अनलेस कि आपने फिजिकल कुछ चीज़ें डिलीवर करनी है, तो खत, आपके चेक्स, पे ऑर्डर्स, ये सब चीज़ें जो हैं बाय एंड लार्ज वो कैशलेस बैंकिंग में, ब्रांचलेस बैंकिंग में, कैशलेस सिचुएशन में, जिस तरह हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। ये तो हैं जो जॉब्स खत्म हो रही हैं। ऊपर वो हैं WHO के, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 133 मिलियन जॉब जो हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में वो आ रही हैं। डेटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट जिसे हम कहते हैं टोटैलिटी में, AI और मशीन लर्निंग, ये नीचे जितनी चीज़ें चेंज हो रही हैं उनकी जगह पे ये चीज़ें ले रही हैं। जनरल एंड ऑपरेशंस मैनेजर्स, ये ऑटोमेशन में चले जाएंगे। सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स और एनालिस्ट, बाय एंड लार्ज ये सब करना किन्होंने है वो यही केडर है पूरे का पूरा। सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, बिग डेटा एनालिस्ट स्पेशलिस्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, ओडी स्पेशलिस्ट, ये ओडी जो है ये भी आपकी बाय एंड लार्ज जो अभी हम फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, कुछ अरसे के बाद ये भी चेंज हो जाएगी और आप रिकॉर्डेड मैसेजेस में चले जाएंगे, या आप उसको कॉल करेंगे कि मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन बताओ, तो वो उस चीज़ के ऊपर लेक्चर जिस तरह यूट्यूब पे अभी आप ढूंढ सकते हैं, वो आपको इसका अल्टरनेट बता देंगे ओडी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होंगी, जिसमें इनमें हर एक के अंदर फिर आपके डिफरेंट ई कॉमर्स आ जाएगी, आपके सप्लाई चेन, आपकी एग्रीकल्चर, आपका जो
हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब चीजें आपकी इसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये वो एरिया है जिसको कि हम फ्यूचर में देखेंगे। एज ए कंसल्टेंट यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ, अपने रोल को आपने कैसे कॉन्ट्रैक्ट रोल में लेके आना है, कैसे आपने अपने आप को इंडल्ज करना है इन पोस्चर ऑफ अ कंसल्टेंट, ठीक है ना। इसको आप देखेंगे। जी उस्मान फजल साहब कह रहे हैं कि 20 से 30 साल हम पीछे हैं। ओके, आपकी बात पार्शली मैं एग्री कर लेता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा कमाल यह है कि जिस दिन कोई मशीन या कोई मोबाइल फोन अमेरिका में लॉन्च होता है, उससे अगले दिन पाकिस्तान में भी अवेलेबल होता है। और हमें एक आदत है कि हम अपनी, ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरल अपने क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, कि हम अपनी जो कमजोर चीजें हैं ना उनको सामने लेके आते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है हम उस पर बात नहीं करते, या हमें शायद उसका इदराक भी नहीं होता और हमें उसकी इंपॉर्टेंस का भी पता नहीं होता। लेट मी शेयर विद यू दी पोजीशन ऑफ नादरा। पाकिस्तान में शायद दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है ये, 18,000 इसमें लोग काम कर रहे हैं नादरा टेक्नोलॉजीज में, टोटैलिटी में, जो 5 मुल्कों के सॉफ्टवेयर इस कॉन्टेक्स्ट में बेच चुकी है, 5 मुल्कों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट, इन मुल्कों में, और 3-4 के साथ हमारी और बात चल रही है, कतर के साथ हमारी बात चल रही है, कुवैत के साथ हमारी बात चल रही है, उसमें हम ये सारा जो सिस्टम है हमारा सीएनआईसी वाला। अच्छा, सीएनआईसी वाला सिस्टम हम यूजुअली, आप में से जो लोग नादरा से रिलेटेड हैं वो शायद इस चीज़ को एनालाइज कर सकें, हम ये समझते हैं कि शायद ये सिस्टम सिर्फ सीएनआईसी बनाता है। आपको हैरत होगी सुन के, इसके पीछे पूरी फैमिली ट्री है आपकी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, माई फादर, सिस्टर्स ऑफ माई फादर, उनके बच्चे, उनके आगे बच्चे, उनके आगे बच्चे, मेरी वाइफ, बिल्कुल एक नई फैमिली है, उनकी फैमिली, मेरी वाइफ के भाई, उनका ससुराल, उनकी फैमिली, ये सब मेरे ट्री के साथ कनेक्टेड है। आई एम ट्रेसेबल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम एनी नूक एंड कॉर्नर, ठीक है ना। दिस इज वन आस्पेक्ट। देर आर 12 आस्पेक्ट्स जो स्टार टोपोलॉजी में सीएनआईसी के साथ जुड़े हुए हैं। नादरा का जो आपका एक यूनिक नंबर है, सीएनआईसी नंबर, वो आपका इनकम टैक्स में इस्तेमाल हो रहा है, शुरू हो गया अभी, आपको इनकम टैक्स नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका असलहे का जो लाइसेंस है, वेपन्स का, ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, आपका वोटर लिस्ट में जो नाम है, और आपकी प्रॉपर्टी का जो लेन देन है, आपने जो भी चीज खरीदनी है, आपका सेल्स टैक्स है, आप यू नेम इट, आपकी जो भी चीज है, आपका पासपोर्ट है वो इसके साथ कनेक्टेड है, और इस तरह कोई 12 के करीब चीजें आपकी ऐसी हैं जो इस एक टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। हमने कभी अपनी 18,000 लोगों की इस कंपनी को पब्लिक में डिस्कस नहीं किया, हमने कभी इस पे फख्र नहीं किया, या हमने कभी इसको दुनिया के साथ कंपेयर नहीं किया। आपको हैरत होगी कि दुनिया में 8, 10, 12 मुल्कों में ये सिस्टम है, बाकी सारे मुल्क जो हैं वो डंग डबाऊ किस्म की चीजों पर चल रहे हैं। हमें इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी में, इंसाफ प्रोवाइड करने में, फैसिलिटीज देने में, फैसिलिटेशन में, गुड गवर्नेंस में, अभी जैसे हमने लोन डिस्पर्स किया है, अगेन पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि आप में से किसी का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, किसी का पीटीआई से ताल्लुक है, किसी का पीएमएलएन से ताल्लुक है, उसको छोड़ दें, सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें, सिर्फ कंसल्टेंट की बात करें। ये इतना बड़ा टूल है कि इसके ऊपर आप गुड गवर्नेंस का कोई भी मॉडल राइड करवा सकते हैं। कमिंग बैक टू पॉजिटिविटी, पाकिस्तान में मैंने 2 या 3 दिन पहले एक एक्सरसाइज कराई थी, जिसमें हमने अब्दुल सत्तार ईदी साहब को डिस्कस किया था, हमने डॉक्टर अमजद साकिब साहब को डिस्कस किया था। ये लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मार के सर अंजाम दिए हैं। दुनिया के सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम जो है प्राइवेट सेक्टर में, वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने इस्टेब्लिश किया है। ग्लोबल, पूरी दुनिया के 200 मुल्कों में किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ये नहीं हुआ। देन डॉक्टर अमजद साकिब, लिविंग लेजेंड, 120 बिलियन, 120 अरब रुपए का एक ऐसा फंड क्रिएट किया है उन्होंने, कि उस फंड में कर्ज हसना दिया जाता है, जिसमें लोग अपनी फैमिलीज को, अपने
कुंभे को पालते हैं, अपने छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं, अपने काम करते हैं और लोगों को सपोर्ट मिलती है उस सपोर्ट में। ये इतना बड़ा फंड है दुनिया का, हालांकि इससे पहले डॉक्टर यूनुस जो बांग्लादेश के हैं, ग्रामीण बैंक के सिलसिले में उनको मिला था नोबेल प्राइज। हुआ क्या कि हमने इस अपनी इस खूबी को नजरअंदाज कर दिया और हमने अपने इस लेजेंड को कंपैरिजन नहीं दिया अभी तक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पिछले साल डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अमजद साकिब को रिकॉग्नाइज किया और उनको बहुत बड़ा अवार्ड दिया है, टॉप अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। इस कॉन्टेक्स्ट में फर्क क्या है, ग्रामीण बैंक 36% पे लोन देता है और बहुत छोटे लोन है उनके। हमारा ये लोन जो है, आपको हैरत होगी सुन के, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, 0% इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, 120 अरब रुपए, नंबर एक। नंबर दो, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, 99.96%, मैं रिपीट कर रहा हूं, 99.96% हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है इसका, यानी लोग लोन लेके लोग लोन वापस कर देते हैं। कोई पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई थाना इन्वॉल्व नहीं है, कोई बैंकिंग कोर्ट इन्वॉल्व नहीं है। वॉलंटियरली लोगों की तरबियत ऐसी की जा रही है कि कर्जे हंसना दिया जा रहा है, कि पहले दिन उनको बता दिया जाता है कि आपके ऊपर कोई सूद नहीं है, दूसरे नंबर पे आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, अगर आप नहीं दे सकेंगे, आप अदा नहीं कर पाएंगे, आपको माफ कर दिया जाएगा। ये अग्रीमेंट लिखा जाता है मस्जिद में बैठ के, अखुवत के कोई ऑफिस नहीं है, अखुवत के ऑफिस मस्जिद है, पिंडी में हम उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं, मैं भी बहुत दफा मीटिंग में गया। हमें अपनी जो पॉजिटिव चीजें हैं ना उनको सामने रख के, तो अपनी अपनी आदतों को, अपनी कंसल्टेंसी को, अपने बिजनेसेस को, अपने फ्यूचर बिजनेसेस को अलाइन करना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े चैंपियन हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क ने अब्दुल सत्तार ईदी पैदा किया है, हम इस मुल्क में रहते हैं जिसने अमजद साकिब को पैदा किया है, एंड सो ऑन सो, बहुत सारे हमारे पास प्लसेस हैं। दुनिया का सबसे अच्छा आम हमारे पास होता है, दुनिया की सबसे अच्छी फौज हमारे पास है, दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे पास है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। मुझे बड़ा दुख होता है कि कराची में हम कराची पोर्ट ट्रस्ट के थ्रू कितने कंटेनर गायब होते हैं और वो जाके वहाँ असले खाने बन जाते हैं घरों के बेसमेंट्स में और घरों की जो फर्श है वो तोड़ के उसके नीचे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये काम करना चाहिए कि उसको होने से पहले रोका जाए, ठीक है ना, तब ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी बन सकती है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हमेशा पॉजिटिव चीजें सामने रखें, नेगेटिव चीजों से सबक जरूर लें, लेकिन अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दें, अपने आप को डेवलप करने दें, अपने आप को चलने दें, ठीक है ना। ये जब चीजें आपकी डेवलप होंगी तब आप आगे चलेंगे, तब आप अपने आप को मैनेज करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम ज्वाइन द मूवमेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट रोल्स, अपने आप को कंसल्टेंट समझ लें। दूसरे नंबर पे है चेंज योर टाइटल टू प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट, आपने अपना टाइटल भी बनाना है, आप अपने सिग्नेचर में लिखते हैं, इतने कॉन्फिडेंट हों आप कि आप इन चीजों को मैनेज करें और लोगों को बताएं, अपने इंट्रोडक्शन में बताएं कि आई एम ए कंसल्टेंट, आई एम ए टर्नअराउंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आई एम ए प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट कंसल्टेंट, आई एम एन एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंसल्टेंट। जो भी आप काम, जिस प्रोफेशन में भी आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो आपके बिहेवियर से, आपकी शक्ल सूरत से, आपके ड्रेस से, आपकी बातों से, आपके जॉर्गन से, आपके कॉन्फिडेंस से पता चलना चाहिए कि आप कंसल्टेंट हैं। अडॉप्ट ए प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू मॉडल, हमने बहुत सारे मॉडल डिस्कस किए थे। जब आप कंसल्टेंसी में जाएंगे तो आपने अपने प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल को भी कंसिडर करना है कि एक प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूँ कि अच्छा, पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं 3.5 करोड़, उनको कैसे हम वापस स्कूल सिस्टम में ले आ सकते हैं, इसके ऊपर आप उनके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर जो कंसल्टेंसी आप करेंगे, मैं आपको कितने पैसे दूंगा, या आप किसी एनजीओ के साथ निगोशिएट करते हैं, या कोई एजेंसी है, फंडिंग एजेंसी, वो आपको पैसे देती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, या आप अपने तौर पर कोई रिसर्च कर रहे हैं या अपने तौर पर कोई काम करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कंसल्टेंसी में एक बड़ी खूबसूरत चीज होती है, मैंने कल आपको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की एग्जांपल दी थी कि आई वर्क देयर एज कंसल्टेंट टू द वाइस चांसलर, तो उसमें मैंने बाय एंड लार्ज कंसल्टेंट का काम जो है वाइस चांसलर से लेके और यूनिवर्सिटी के जो गेट पे गार्ड खड़ा होता है उस तक हर पोजीशन पे बैठ के काम किया। और मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो दिया था कि
कि मैंने अपने हाथों से स्टूडेंट्स के वॉशरूम खुद भी साफ किए हैं और 38 फैकल्टी मेंबर्स से भी साफ करवाए हैं वॉलंटियरली, बरजा और रगबत, मोटिवेशन के साथ, ठीक है ना। तो ये मैसेज जो है नंबर 4 का, बी विलिंग टू वर्क एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, ये उस सूरत में है कि ताकि आपको वहां के हालात की संगीनी का और वहां के मसाइल का पता चलता है। ट्रीट ए स्टार्टअप एज ए कस्टमर नॉट अ क्लाइंट, ठीक है ना। आप इसको एक अच्छे कस्टमर के तौर पे ट्रीट करें, इसको सिर्फ क्लाइंट के तौर पे ना ट्रीट करें कि यार अच्छा बस ठीक है, ये मैंने इनको ये सर्विस देनी है, मैंने आपको ये काम करके देना है। बी रिस्पॉन्सिव टू एवरी कस्टमर कम्युनिकेशन, कोई भी खत लिखते हैं आप, कोई ईमेल करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, कोई वर्बल कमिटमेंट करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन आपकी जो है वो इट मस्ट बी अलाइंड विद दी परस्पेक्टिव, जो आपका परस्पेक्टिव है उसके साथ अलाइंड होनी चाहिए। अडॉप्ट ए स्टाइल टू मीट द न्यू बिजनेस वर्क मॉडल्स, जो हमने एक स्लाइड शेयर की है WHO उसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें जो बिजनेस वर्क के नए मॉडल्स हैं आपको अपने स्टाइल को उसके साथ मीट करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि जी मैं तो फाइनेंस का बंदा हूं, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या ताल्लुक है। तो जब आप बैंकिंग सेक्टर की कंसल्टेंसी करेंगे, स्टेट बैंक के साथ कोई काम करेंगे, आपको एक काम ये देखना है कि 5 अरब से ज्यादा के जितने डिफॉल्टर हैं उनकी लिस्ट बना दो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके डेटाबेस में से फॉरन वो चीजें निकाल के आपको दे देगी। एग्रीकल्चर सेक्टर से दे दो, कराची से दे दो, लाहौर से दे दो, इस्लामाबाद से दे दो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपके ये जितने मॉडल मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये किसी भी, चाहे एजुकेशन में ले आए, हेल्थ केयर में ले आए, एग्रीकल्चर में ले आए, फाइनेंस में ले आए, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं, ये उस पर काम करते हैं। डिलीवर रिजल्ट्स रादर देन कमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस किए जा रहे हैं, मैं ये रिकमेंड करता हूँ, मैं वो रिकमेंड करता हूँ, मैं वो रिकमेंड करता हूँ, नहीं, आप हार्ड कोर सोल्यूशन बताइए कि इस चीज को हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं, इस चीज को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारी आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम प्रेजेंटेशन के एंड पे चले गए, मैं आपको वापस यहाँ पे ले आता हूँ और हम आपको वापस इसमें ले आते हैं। अच्छा जी, चैट्स में फरमा रहे हैं, इसको मैं अगले सेशन में देखता हूँ, काफी लंबी आपने स्टोरी लिखी हुई है। अगर क्विक क्वेश्चंस हैं आपके तो मैं अभी ले लूँ, फिर मैंने एक दूसरा सेशन शुरू करना है आपके साथ, दूसरा सेशन हम लॉग इन करते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। जी कोई क्वेश्चन है तो इमीजिएटली बोलिए। सर, वो बात समझ में नहीं आई कि जो है वो ट्रीट देम एज अ कस्टमर अदर क्लाइंट। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड क्लाइंट? सर एक्चुअली कभी पाला पड़ा नहीं तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली देखी नहीं। ओके, एक लॉयर जो होता है, वकील होता है, उसका जो क्लाइंट होता है यानी उसका जो ग्राहक होता है उसको क्लाइंट कहते हैं, और एक कस्टमर जो है वो कोई, हम कोई जैसे हमने लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन खरीदना है तो बीकन हाउस इज माय कस्टमर, नेशनल असेंबली इज माय कस्टमर, या आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन एक होती है वो हमारा कस्टमर है, या कोई हार्ड कॉपी कोई चीज है या हार्ड टेंजिबल कोई चीज है वो हमारा कस्टमर है, ठीक है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कभी भी उसको इस तरह ट्रीट ना करें कि एक स्टार्टअप है। मैं स्टार्टअप की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट हैं या मेरे कस्टमर हैं या जिनको मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी बिजनेस होते हैं। तो बाज़ औक़ात मैं उनको शुरू में ही बता देता हूँ कि ये चीज़ आपने इस तरह करनी है, तो वो उससे बच जाते हैं बजाय इसके कि उनका लॉस हो जाए फिर उनको पता चले। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस वालों को बताता हूँ कि आपने उधार नहीं देना किसी को भी कोई काम। आपने अगर कोई लिखा है कि मुझे 30% एडवांस पेमेंट देंगे तो मैं ये काम शुरू करूंगा, अगर वो 30% एडवांस पेमेंट नहीं देते तो आप रिफ्यूज कर दें उस बिजनेस को, क्योंकि आप उस कस्टमर को जो आपकी लिखी हुई एग्रीमेंट को ऑनर नहीं कर रहा, तो वो आगे जाके आपको क्या कनेक्ट करेगा, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, आप कभी भी अपने कस्टमर को, या वो छोटा है या बड़ा है, उसके हिसाब से कमिटमेंट वेरी ना करें। आपकी जो कमिटमेंट है वो आपकी जात, आपका लेवल, आपकी कंपनी का लेवल और आपकी कमिटमेंट और बहसियत एक अच्छे शहरी के या अच्छे इंसान के, एक प्रोफेशनल के, आपकी कमिटमेंट उस तरीके से नजर आनी चाहिए ताकि आप उसको मैनेज कर सकें, ठीक है ना। ना कि
वो आपको, आप देखेंगे यार अच्छा ये एक 10 रुपए का कस्टमर है तो एक 100 रुपए का कस्टमर है, तो दोनों में फर्क होगा, कमिटमेंट वाइज कोई फर्क नहीं होगा। हाँ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होती है, बहुत सारी सर्विसेज हम लेते हैं जैसे जहाज में फर्स्ट क्लास सर्विस होती है, इकोनॉमी सर्विस होती है, दोनों में फैसिलिटीज का फर्क होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जहाज लेके दोनों को एक ही वक्त में जाएगा, ठीक है ना। कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हैं जो कि आपने वेरी करती हैं आपकी सिचुएशन के मुताबिक, और आपने उसके मुताबिक उसको डेवलप करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी उस्मान आवाज नहीं आ रही आपकी। उस्मान आपका मेरा ख्याल माइक का जी अब ठीक है। सर मुझे थोड़ी सी ये लेनी है कि जैसे आप नंबर 5 को आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि ट्रीट देम एज अ कस्टमर रादर देन अ क्लाइंट, मैं बेसिकली खुद टैक्स कंसल्टेंट हूँ और मेरी थोड़ी सी जो स्पेशली जैसे आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हो उनके साथ मेरी थोड़ी सी कमिटमेंट इस तरह से होती है कि आई वॉन्ट टू लेट देम ग्रो और उनके साथ मेरी स्टार्ट में इस तरह से होती है कि आई वुड प्रोवाइड देम सम सर्विसेज जो कि मैं उनको कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक उनकी कुछ टैक्स के मैटर्स हैं जो मैं उनको वैसे सॉल्व कर देता हूँ बिकॉज आई नो दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे मी और समथिंग लाइक दैट। तो मैं मेरी ये होप होती है कि जब वो ग्रो करेंगे और कल को अगर वो जैसे उनका बिजनेस ग्रो करता है तो इवेंचुअली आप अपने कंसल्टेंट को या टैक्स वाले को आप चेंज नहीं करते हो, तो जब मेरी उनके साथ एक अच्छी ठीक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आई विल स्टार्ट चार्जिंग देम मोर फॉर दिस, तो मेरा एक लॉन्ग टर्म उसमें देखा जाता है। लेकिन ये आपका ये वाला जो पॉइंट है ये मुझे इसमें उस चीज से वो मैनेज नहीं समझ सका कि कस्टमर या क्लाइंट को आप उसमें कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं या फिर उस चीज को कर रहे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। आपने जैसे बताया, जैसे मैं खुद भी जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तो मुझे फर्गुसन के एक साहब थे जिन्होंने सर्विसेज दी थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था, मतलब उन्होंने शुरू में मुझे कंप्लीमेंट्री सर्विस दी थी जब मैं कंपनी खरीद रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, फिर उसके बाद इंस्टाफोन का बिजनेस मिला, फिर उनको दूसरी कंपनीज का बिजनेस मिला, उसके बाद उन्होंने अपना सेटअप कर लिया। तो 22 साल उन्होंने मुझे सर्विस दी, लेकिन पहला साल मेरा उनके साथ बिल्कुल फ्री था। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने 22 साल उनको चेंज नहीं किया, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म पे आपने अपने कस्टमर्स को पालना है, शॉर्ट टर्म पे या वन साइडेड शॉर्ट साइटेड या वन टाइम डिसीजन करके आपने उनको छोड़ नहीं देना, ठीक है ना, कि चलो, या आपने उनको इस तरह ट्रीट करना है कि जैसे बिल्कुल वो कोई मसाइल का शिकार हो गए हैं, या आपकी कोई हार्ट अटैक हो गई उनके साथ, या कोई ऐसी ऊंच नीच होती है, तो ट्राई टू हैंडल दैट क्लैश और एनी कंफ्लिक्ट।